Welcome to my channel, Asha's Amazing Science. So today we will talk about work of eyes. So let's see the work of eyes. So what is the work of eyes? If you don't, let's see. So for example, mountain, like mountain, कोई भी mountain, हिमालय सब सबको पता है कि हिमालय ice से पूरी हिमालय जो mountain है वो पूरा ice का बना हुआ, जिसे हिमालय का नाम ही से आप समझ सकते हैं कि आइस की बात है, क्योंकि हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है जगह। सो ये हिमालय एक तरह का माउंटेन होता है, ये एक ऐसा माउंटेन है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। सो बर्फ से ढका हुआ तो इसे हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। द वर्ल्ड कम्स एज ग्लेशियर्स, ओके, इन्हें हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं, जो पूरे आइस से पूरी बर्फ से ही ढका रहता है माउंटेन। जो माउंटेन हुई बर्फ से ढका होता है उसे हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेक्स हैं और बहुत सारे रिवर्स हैं, तो रिवर्स कहाँ से निकलती है? रिवर्स एक तरह से हमारे ग्लेशियर से ही तो निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छे से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, दिस इज अ टाइप ऑफ माउंटेन, आई पूरा बर्फ से ढका हुआ क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल्स तो बहुत ज्यादा, जो एक स्नो जैसे एक स्नो के बॉल रहते हैं वो बहुत ज्यादा एक ऐसे जब एक एक करके बहुत सारी जब गिरेंगी तो एक तरह से यहाँ पूरा एक माउंटेन को वो भर देते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारी लेयर्स, आइस की लेयर्स है हमारा माउंटेन में, ग्लेशियर्स बनते हैं। एंड ग्लेशियर्स भी कुछ ऐसे ऐसे करके फिर जब पिघलते हैं, जब समर का टाइम आता है तो ये पिघलते हैं। जब ये पिघलते हैं तो डिफरेंट रिवर्स के फॉर्म में रिवर्स बनाते हैं। ओके, ग्लेशियर्स रिवर्स बनाते हैं, डिफरेंट रिवर्स बनाते हैं। एंड सो दैट आफ्टर दिस जब ये मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर्स एक तरह का रिवर ऑफ आइस होता है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो रिवर ऑफ आइस होते हैं, रिवर होते हैं, मतलब कि जैसे रिवर नदी होती है लेकिन वाटर की नदी नहीं, आइस की नदी होती है। सो जब ये पिघलते हैं तो यहाँ से हमारी वो जो वाटर वाली नदी होती है वो बनती, मीन्स हमारा रिवर बनता है। ओके, सो जब ये रिवर्स बहते हैं, सो बहुत सारी सिटीज में भी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में घूमती, ऐसे ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे गंगा यमुना, ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। तो ये रिवर्स जाकर डायरेक्ट सी में मिलती हैं, सी में ये रिवर्स जाके मिलती हैं। सो ये आइस थी। सो जैसे ये बहुत सारे ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं ब्यूटीफुल लेक्स बनाते हैं। लेक्स अब कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। सो फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे जब बर्फ इतनी ज़्यादा बर्फ गिरेगी तो गड्ढे होंगे, गड्ढे तो होंगे बहुत सारे डिफरेंट। तो गड्ढों में क्या होता है बहुत सारी जगह, तो ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक तरह का गड्ढा है। सो इसमें आइस जो है, बर्फ जो है वो आ गई, ओके, आइस जमा हो गए। सो अब क्या होगा कि जब ये आइस पिघलेगी इससे बाहर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो नीचे साइड में से फॉर पिट की तरह है। सो आइस तो बाहर निकलेगी नहीं, वो वहीं पे पिघल जाएगी। वहीं पे जब पिघलेगी तो ये एक बहुत सुंदर लेक्स बनाएंगे। ओके, सो वो वाटर फॉर्म, जो वाटर होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल के बारे में, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। सो क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आइस के भी फॉर्म में होता है, मीन्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में कैसे, एज ए वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर एक तरह का गैस फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म लाइक वाटर ही तो लिक्विड फॉर्म है, एंड सॉलिड फॉर्म लाइक आइस। सो आइस यहाँ पे एक तरह से ऐसे आइस ऐसे ग्लेशियर वर्क करता है, एंड ये एक तरह से मोर्नरीज भी बनाता है। कैसे, इसमें कुछ डिपोजिशन एंड इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सैंड स्टोन है, अगर रॉक है भाई तो उसमें सैंड स्टोन्स भी तो होंगे, सैंड स्टोन से ही तो रॉक्स बने हैं। सो क्या होता है कि जो रॉक होते हैं, बर्फ बहुत
जो वाटर होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, एल आइस भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन भी यहाँ पे प्लेस लेता है। सो क्या होता है कि जब चट्टानें होती, कुछ चट्टानें क्या होती, टूटती हैं तो वो एक जगह से अगर इरोजन होगा, मतलब वो टूटेंगी, तो एक जगह डिपोजिशन भी तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ भी एक तरह से अर्थक्वेक आता है कहाँ पे, सीज में आता है, तो वहाँ पे भी तो इरोजन एंड डिपोजिशन ही होता है। क्या होता है, अर्थक्वेक अगर सी में आता है, सुनामी आ जाती है, तो सुनामी क्या करती है, वाटर जो होता है वो सारा, बहुत सारे डिफरेंट सामान क्या करता है, वो ले जाता है अपने साथ एंड कहीं दूसरी जगह वो डिपोज कर देता है। वैसे आइस के साथ भी होता है, वो भी रॉक सैंड्स को कहीं इरोज करती है एंड डिपोजिंग करती है। सो मैंने अभी आपको आइस का वर्क बताया, यही था हमारे आइस का वर्क एंड दीज आर दी ग्लेशियर्स। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।